सन 1951 में केजीएफ शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर जब किसान वहां कुआं खोद रहे थे तो उन्हें एक अजीब सा पत्थर मिला। उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सरकारी ऑफिसर्स आए, उनके साथ सूर्यवर्धन भी था। किस्मत का खेल। उस रात दो घटनाएं हुई, वो जगह भी मिल गई और वो भी पैदा हो गया। जितनी आसानी से पत्थर मिलता है उतनी आसानी से सोना नहीं मिलता, मगर सूर्यवर्धन को पत्थर के रूप में सोने की खदान मिल गई। उसने वहां से धूल का एक कण भी बाहर नहीं जाने दिया। तुझे सुल्तान जैसा बेटा पैदा हुआ है बिटिया। राजा, बिन बाप का बच्चा है, माँ के लिए कितनी मेहनत करेगी, बाप चाहिए क्या? सूर्यवर्धन ने उस जमीन को लाइमस्टोन माइनिंग के नाम पर 99 सालों के लिए लीज पर ले लिया। इस राज को राज रखने के लिए वो दूर दूर से लोगों को जबरदस्ती लाकर माइनिंग करवाने लगा। बेटा, तेरी माँ को बचाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं होंगे। चौदहवें साल में शादी, 15वें साल में बच्चा, जीवन भर दर्द सहती रही। 25 साल की उम्र में मौत ने भी उसका पता लगा लिया। अपने बेटे के पास छोड़कर जाने के लिए उसके पास एक ही जायदाद थी, उसके आखिरी शब्द। दुनिया में सब कहते हैं कि पैसे के बिना चैन से जी नहीं सकते, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि बिना पैसे के चैन से मर भी नहीं सकते। मुझसे वादा कर, तो कैसे जिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मौत आए तो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर बनकर मरेगा। सबसे अमीर आदमी बनूंगा माँ। उसकी माँ ने उसे मंजिल दिखाई थी, मंजिल का रास्ता उसे खुद ढूंढना था। पैसा 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 दे, पैसा नहीं है मेरे पास। पैसा नहीं है तुझे ले पैसा। इतना काफी नहीं है, और चाहिए मेरे को। ज्यादा चाहिए? चिल्लर के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। पावर है तो ही पैसा है। पावर कहाँ मिलेगा? पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस। इसी सपने के साथ उसने संघर्षों के शहर बंबई में कदम रखा। चलो उठ, मेरी जगह है। बंबई सोने की तस्करी का सबसे अहम ठिकाना था। इस ठिकाने पर अपना कब्जा जमाने के लिए दुबई के इनायत खलील और बंबई के शेट्टी के बीच
हमेशा एक जंग छिड़ी रहती थी। इन दोनों की लड़ाई के बीच एक तीसरे ने कदम रखा, जिसकी चप्पल का साइज तो छोटा था मगर रास्ता बहुत बड़ा। चल नाम बोल। राजा कृष्णप्पा बेरिया। बंबई में बड़ा काम करेगा तो बड़ा नाम कमाएगा, पब्लिक फिर छोटा नाम भी याद रखेगी। चल पुलिस पुलिस ओ साहब पुलिस। शेट्टी, सब लोग इसको सलाम मारते हैं, यही है बंबई का बादशाह। वो साला शिंदे हम सबको बहुत तंग कर रहा है, उसको फटके देने क्या? येड़ा हो गया क्या रे? इंस्पेक्टर कौन रे मारेगा? तू मारेगा? बंबई में कोई है जो मारेगा? या ये चिल्लर लोग मारेंगे? तुम लोग मारोगे क्या रे इंस्पेक्टर को? कोई है? ओ तेरी, मर्द मिल गया रे साला। असलम भाई तो मजाक कर रहे थे। स्टेशन तेरे लिए मेरे जान। अरे कोने तेरे सांगा फटा फटा राजा। रुका क्यों? चल भागते हैं यहाँ से। उसको मेरा नाम इच नहीं पता। क्या? उसको पता इच नहीं कि मैं कौन हूँ। कौन है वो लड़का? मेरे को चाहिए। हाँ सब। लड़का नहीं, मेरा नाम राखी है, याद रहेगा ना? वो मेरा लड़का है साहब, अंधेरी में बिठाया था उसको, मजाक में पुलिस वाले को मारने के लिए बोला था, लेकिन वो फिकर मत कर रहे, मैंने पुलिस से उसको छुड़वा दिया है। ओए किधर गया था बे तू? नाम कमाने गया था। उस पुलिस वाले को क्यों मारा रे? किसी को मारा तो पुलिस ढूंढेगा, पुलिस वाले को ही मारा तो तुम्हारे जैसा डॉन ढूंढेगा। क्या चाहिए बे तेरे को? दुनिया। सन 1978 में ईरान और अफगानिस्तान की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में बहुत बड़ी दरार आ गई थी। उसका असर पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा था। ऑयल, कॉफी, स्टील और कॉटन के रेट के साथ साथ सोने का भाव भी आसमान छू रहा था। लेकिन तब तक सूर्यवर्धन दूसरों की पहुंच से बहुत ऊपर पहुंच गया था। इस साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए उसने 5 पार्टनर चुने जो उसके किले के 5 स्तंभों की तरह थे। भार्गव के मरने के बाद उसका बेटा कमल KGF से निकला रॉ मटेरियल पिघलाकर द्वारका में सोना निकलवाता था। वहां से निकले सोने को बेंगलोर में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी राजेंद्र देसाई की थी। पश्चिमी तट पर एंड्रिल्स का कंट्रोल था। गुरु पांडेन की सियासी ताकत का इस्तेमाल करके सूर्यवर्धन नेशनल पॉलिटिक्स में उतर गया और पूरी सरकार को अपनी मुट्ठी में कर लिया। सूर्यवर्धन की सबसे बड़ी ताकत थी उसका भाई अधीरा। इन सबके सामर्थ्य से बने इस किले में सूर्यवर्धन का बेटा गरुड़ा भी शामिल हो गया। इन दोनों की वजह से KGF इतना सुरक्षित था कि कोई भी उसकी तरफ उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन एक दिन सूर्यवर्धन को दिल का दौरा पड़ा। मौत के कगार पर खड़े सूर्यवर्धन के लिए काम करने वाले हर एक की KGF पर नियत खराब होने लगी। पहली बार KGF में विद्रोह के काले बादल छाने लगे। सोने का भाव बढ़ाने की फिराक में बैठे इनायत खलील के पास बंबई में घुसने का यही एक सही समय था। शेट्टी के प्रतिद्वंद्वी दिलावर ने इनायत खलील के साथ हाथ मिला लिया। बंबई के नागपाड़ा पोर्ट पर
पहली बार उसका सोना पहुंचने वाला था। इससे पहले कि सोना पहुंचे, दिलावर बंबई को अपने कब्जे में लेने निकल पड़ा। दिलावर का ऑर्डर है, शेट्टी गैंग को पूरा मिटाना है। कोई बचने ना पाए। मेरे लड़कों को ही अंदर कर दिया, किसके लड़के हैं जानता है क्या वो? For the first time after independence, Bombay was on high alert. दिलावर बॉम्बे पोर्ट को अपने कब्जे में लेने ही वाला था कि एक बड़ी मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। भाई, लेकिन रॉकी, रुक जाओ सलीम भाई, रॉकी नहीं मिला है, मिलने के बाद बताऊंगा, रुक जाओ। वो मिला क्या? वो अभी तक नहीं मिला। बता, रॉकी किधर है? लेकिन बाकी सबको अंदर डाल दिया, क्या फायदा? पहले उसको पकड़ो, जाओ सब जगह छान मारो, ढूंढो उसको। क्या है बे? वो मिल गया, चलो। अपुन का बाप हमेशा कहता था, बेटा तूफान से कभी टकराना मत। ओए जाबे, जाकर मेरे बाप को बोल तेरे बेटे ने तूफान को ही लटका दिया। क्या रे असलम, तुम लोगों ने चेहरा ऐसे क्यों लटका रखा है? कोई मर गया क्या? ओए छोटू, साहब पुलाव लेकर आ, ऐसे क्या देख रहा है? अरे जा ना, रॉकी को पकड़ लिया है। रॉकी मिल गया, मान लेके आ जाओ। चलो विजायक खलील की बोट हमारे बंदरगाह तक पहुंच रही है और बंबई हमारे हाथ से निकल रही है। आज अब उनका बर्थडे है, मुझे तोहफे में उसका दिल, उसकी दोनों आंखें मांगता है। तुम लोगों को क्या चाहिए बोलो? छोटू पुलाव कैंसिल, बिरयानी लेकर आ, उसके साथ कांदा थोड़ा ज्यादा मार के लाना। ठीक है सर। या खून की गंध पाकर सारे गीदड़ एक जगह इकट्ठा हो गए। 15 सालों से जो काम तुम नहीं कर पाए, तुम्हारे बेटे ने वो एक दिन में कर दिया। लेकिन इन गीदड़ों को नहीं पता, ये खून उनका ही शिकार करने वाले शेर का है। वो कहाँ है? लटका रखा है उसको। अरे वो नहीं, मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारा बेटा उसके सामने ही है। हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे। अरे तूफान को लटकाते नहीं, देख क्या रहा है, मार उसको। तूफान से भागते हैं। बंबई मेरी है बोलने वाले हर गली के आवारा कुत्ते आज एक साथ एक जगह फंस गए। वो उन सबको उस गली में दौड़ा दौड़ा कर एक एक करके मारेगा। साला अपन का खून भी तो ला लिया है। बचपन में इच बम्बई आ गया था, सीधा भट्टी में झोंक दिया गया। इधर इच गलियों में दो वक्त की रोटी मांगी तो मार मिली, सोने के लिए जगह मांगी तो पीट आ गया। लेकिन बम्बई को ये नहीं पता था कि भट्टी पर जो गिरा था वो लोहा था। वो उसे पिघला पिघला के पीट पीट के खंजर बना रही थी और खंजर खाली काटता है। बम्बई के तेरे बाप कह के बे? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ। मारो, मारो इसको। आई
सिर्फ इतने में डर गया? उनका तो खाली बैंड बजाया था, लेकिन तेरी तो अपन पूरी बारात निकालेगा। भाग। मुंबई में एक तरफ समुंदर है तो दूसरी तरफ रॉकी। यहाँ अगर मछलियों को भी किनारे आना हो तो उसकी इजाजत लेनी पड़ती है। शिकार करने वाला बंबई में मिल गया है रॉकी। भाई इनायत खलील का जहाज वापस जा रहा है। क्या साहब, बच गई बंबई? कपड़े धुलवाने आया था भाई। हाँ अपन भी धुलाई कर रहे हैं, पानी डाल रहे। सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई, तेरा भाई, तू है सबका भाई। अब से इनायत खलील के लोग हमारे धंधे में दखलअंदाजी नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक है, जाने दो। वजह है रॉकी, वो तुम्हारा शूटर इतना सब कुछ कर रहा है शेट्टी के लिए या बंबई के लिए? हम आपके साथ ही हैं शेट्टी भाई, लेकिन रॉकी है इसीलिए लोग हमसे डरते हैं। रॉकी का नाम पूरी बंबई में ही नहीं पूरे पश्चिमी तट पर भी सुनाई देने लगा है। क्या रॉकी भाई, यार कितने आदमियों को मारा? दिन पूरा होने के बाद गिन के बताऊंगा, चल। बंबई में सब तेरे को सलाम ठोकते हैं, सिर्फ रॉकी को छोड़कर। रॉकी को तेरे कुर्सी पे बहुत प्यार है। तेरे को लगता है कि कुर्सी तेरे है तो ये तेरा गलत फहमी है। रेशम तैयार होने तक ही रेशम के कीड़ों की जिंदगी होती है, उसके बाद उनको गर्म पानी में डाल देते हैं। Thank you.
पठान। हाँ भाई। इस बंबई में अपुन के एड्रेस में पिन कोड ना हो तो भी पोस्ट आ जाता है, पता है क्यों? अपुन का नाम ही इतना फेमस है। हाँ ना भाई, सब लोग आपकी तरह थोड़ी होते हैं भाई, कुछ लोग 10 लोगों को टपका के खुद को डॉन समझने लगते हैं। सिर्फ एड्रेस की वजह से नहीं आता, लैंडमार्क की वजह से आता है। और इस लैंडमार्क को पिन कोड तो क्या स्टैम्प की भी जरूरत नहीं है। सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता। सिर्फ 10-12 लुखेलों को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे। हो भाई। पहली बार देखा शेट्टी किसी को सलाम करने गया था, लगता है उसका ही चलता है बंबई में। वो शेट्टी हमें नहीं छोड़ेगा, वो जरूर कुछ करेगा। तो क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है? ए, तू चुप कर, शेट्टी के बारे में तू फिकर मत कर, अपने सब लड़के तेरे साथ हैं। तू हमेशा से बोलता था ना कि तुझे बंबई चाहिए, अब वक्त आ गया है, अब तू बंबई का बादशाह बनेगा। समंदर कितना गहरा है? क्या गहराई जाने बिना इस पर राज नहीं किया जा सकता। चलो उतर के माफ ही लेते हैं। एल डोराडो की कहानी जारी रखने के लिए मुझे एक नया मोड़ मिल गया, बैंगलोर। गाड़ी बाहर की तरफ घूमा, आज इलेक्शन है सर, बाहर खुला नहीं होगा। ऐसे क्यों भाग रहे हो? राजेंद्र ऐसे की बेटी है ना, किसी होटल वाले ने दारू नहीं दिया तो रोड ब्लॉक करके पार्टी कर रही है, कोई कुछ बोल रहा तो कुत्ते की तरह मार रही है। उस तरफ मत जाओ भाई, उस तरफ मत जाओ। सर बचा लो, बचा लो सर, बचा लो मुझे, बचा लो, बचा। शार्प शूटर है क्या? नहीं, उसका निशाना कैसा है पता नहीं। तो किस भरोसे पे बुलाया? निशाना लगाने का भी एक ढंग होता है। ओ सर वापस आ जाओ, उसे बचाने मत जाओ, वो लोग अच्छे लोग नहीं है सर। पलक नहीं झपकनी चाहिए, हाथ नहीं कांपना चाहिए, खड़े होने की पोजीशन ठीक होनी चाहिए। हवा किस दिशा में बह रही है देखना पड़ता है। वो सीधे माथे पर गन रख के ट्रिगर दबा देता है। शार्प शूटर्स तो सिर्फ ओलंपिक्स के लिए होते हैं। बहुत रिस्क लेकर हम ये काम कर रहे हैं। काम ना किया तो भी रिस्क है ना। Thank you.
Congratulations. Why? I love you. How dare you? How fair you? खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मारो इसे। किधर था मैं? हाँ, I am already dead, Sona. चल आ जा। बैंगलोर में पहली बार आया है, शायद तो मुझे जानता नहीं। जानने के बाद डर से भाग मत जाना, मेरे पापा तुझे इसी सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। अपन को भागने की आदत नहीं है, दूसरों को भगाने की आदत है। अखा लाइफ में बहुत सारे खिलाड़ियों को देखा है, लेकिन किल लेडी को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। Love deeply going inside, I am... Shut up, Rocky. Shut up. Tera baap kaun hai? Rajendra Desai. Usne tujhe bahut aish karwai hai na. Don't worry, main aiyashi karwaunga. Tujhe chhod ke kahin nahi jaunga. I will coming soon. Hey! Iska baap mera sasura, main tumhara jija teri behan ki hai. Achhe se khyal rakhna. ख्याल रखना। आप यही का एड्रेस पूछ रहे थे सर, जल्दी काम खत्म करके निकलो यहाँ से, वापस बैंगलोर कभी मत आना। तू ही रॉकी है क्या? क्या हुआ? बोलता है बैंगलोर बहुत बड़ा है, उसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। लगता है इस शहर में नया है, अकेले ही हमारे लड़कों को मारा, और तो और दारू पी के मेरी रीना के साथ। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे, सब जगह नाकाबंदी कर दो। वो कुत्ता किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। रीना को इसी ने छेड़ा होगा। जानता हूँ, इसे दोबारा यहाँ मत लेकर आना। वैसे भी कमल का टाइम खराब चल रहा है आजकल, वो कहीं इसके हत्थे ना चढ़ जाए।
तुझे पता है तूने किसको छेड़ा है? मालूम भी है वो लड़की कौन है? कौन? राजेंद्र देसाई की बेटी रीना। क्या मायला, नाम पूछे बिना ही जा गया था। रीना रीना रीना, व्हाट अ स्वीट नेम। तुझे यहाँ किस काम के लिए बुलाया गया है जानता है? जब से आया हूँ तब से खाली फेरे ही करवाए जा रहे हो। सुहागरात भी मनवा दो ना। काम बोलो साहब। एक हाथी को मारना है। हमारा प्लान क्या है दया तुम्हें समझा देगा। थोड़े दिनों बाद एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला है। उस फंक्शन के शुरू होने से पहले रास्ते में उसे खत्म करना होगा। जिस जगह वो फंक्शन हो रहा है वो अंदर घुसने के बस दो ही रास्ते हैं। मेरे हिसाब से वो मेन रोड से अंदर आएगा। खुला रोड है, लोग भी कम होंगे, ट्रैफिक कंजेशन भी नहीं होगा। दूसरा रोड कौन सा? अरे नहीं, छोटा रास्ता है, अगल बगल में बिल्डिंग्स हैं, बस स्टॉप है, मार्केट है, वहां चलने के लिए जगह भी नहीं होती। मेरे हिसाब से तो वो उस रास्ते से कभी नहीं आएगा। ये फंक्शन कहाँ होने वाला है? DYSS के पार्टी ऑफिस में। MLAs, MPs, हाई कोर्ट जजेस, सेंट्रल मिनिस्टर्स, सब लोग वहां होंगे। सिक्योरिटी सेंटर की तरफ से चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस। लींबू लेके आ रहे? चीफ मिनिस्टर का नाम अनाउंस करने वाले हैं, वहां उसे छूना भी मुश्किल है। जो आ रहा है उसका फोटो है क्या? उसके फोटो की जरूरत नहीं है, उसके आने से पूरे बेंगलोर को पता चल जाता है। रीना, उसे तो मैं ढूंढ लूंगा, जब वो मिलेगा ना। रीना मेरी जिम्मेदारी है और इसका ख्याल रखूंगा, यही कहा था ना पापा से, अच्छी जिम्मेदारी निभाई कमल। वॉइस सबको बहुत हल्के में ले रहा है एंड्रू सर। यहाँ क्या चल रहा है, कौन आने वाला है, ये तक नहीं पता उसे। यहाँ क्या चल रहा है, कौन आने वाला है, अगर पता होता ये काम करने यहाँ कोई भी नहीं आता। उसे अपना काम करने दो, कमल से दूर रखो उसे बस। एग्जाम्स देने के लिए दो दिन से 45 लड़के बेल होटल में रुके हुए हैं। उनकी पर्सनालिटी से मैच होने वाले बहुत सारे लड़के हैं वहाँ पर। हमारे सारे लड़के तो हॉस्पिटल में हैं, उसकी पहचान करने वाला कोई भी नहीं है। एक है। होटल से किसी को भी बाहर मत निकलने देना, सारे रूम चेक करने हैं। चलो वो दरवाजा खुलवाओ। चले चिकने, अरे ये खोलना। नो नो मैडम, ये है क्या? नो ये नो। यू केम फॉर टू सी मी? अपन के बिना रहा नहीं गया तेरे से। यू नो चांस बिलीव, अपन तेरे बारे में सोचकर अभी बाथरूम में ना रहा था। आई एम गोइंग टू किल यू। आई एम ऑलरेडी डेथ टू डेथ जानो। अभी तो तू पूरी दिल में घुस गई है, रोड ब्लॉक करके दारू पीती है, अपन को मारने के लिए लोगों के लेके रूम तक आती है, टपकाने की लाइफ थ्रेटन्स देती है। खोल दे। दिल चिपक गया है तेरे से। जानू अपन एक्सप्रेस ट्रेन और तू पटरी, हम दोनों अगर मिल जाए ना तो छुक जुग छुक जुग छुक जुगुआ खा ले। खोल दे। एक मिनट जाग। जब दीदी और जीजा अंदर हो तो उनको डिस्टर्ब नहीं करने का पता नहीं है क्या? क्या काम है? ड्राइवर। ओ गॉड, ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों बोल रही हो? अपुन है ना, कम आई ड्रॉप्स यू। ड्राइवर का ड्रेस अच्छा नहीं लगा तो अपुन तेरे लिए वॉचमैन का ड्रेस भी पहन सकता है। फिर भी तुम्हारे ड्राइवर को मानना पड़ेगा सोना, इतने लोगों को फोड़ा फिर भी आगे आया।
और सुना ऐसा आगे से तुम माना नहीं आई अंडरस्टैंड अर्जेंसी, जल्दी शादी कर लेंगे और शादी के बाद चौखट पे कलश नहीं रखवाऊंगा, बियर बॉटल रखवाऊंगा। यू कम एंड किक द बॉटल। क्या हुआ सुना? व्हाट इज हैपेंड? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट इडियट। मेरे सामने खड़े होने की औकात नहीं, मेरे बाजू में बैठा है। तू जानता नहीं मेरा स्टेटस क्या है, तुझसे प्यार करूंगी ये तूने सोच भी कैसे लिया? चार लोगों को क्या मार लिया, खुद को हीरो समझने लगा? कमल इंतजार कर रहा है, उसके सामने आकर दिखाना अपनी हीरोगिरी, जो इलिटरेट ब्रूट। लोफर, व्हाट द हेल मैन, जूते पॉलिश करने पर मुझे एक पाव मिलता था, थाली से ज्यादा नीचे गिराकर खाने वालों के बीच मिट्टी में गिरे पाव के लिए तुम इतना तड़प रही हो तो तुम्हारी मजबूरी मैं समझता हूँ। स्वार्थ के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी के लिए भी नहीं रुकती, हमें खुद रोकना पड़ता है। इन लोगों के बारे में मत सोचो, कोई तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है। सुना तुम कुछ बोल रही थी ना? मुझे घर ले चलो। ओके। रुको रुको, आगे नहीं आना। कैसे आ गई? क्लियर करवाओ उसको। ए, गाड़ी गाड़ी। सर नमस्ते, मेरा नाम आनंद इंगलगी है। वो मैंने फोन किया था ना जर्नलिस्ट, उसके बारे में कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है सर। एटलीस्ट आप तो, आप घबराइए मत सर, पेपर में आपका नाम नहीं आएगा। ए, 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 मेरा पूरा नाम डालना, नागराज सन ऑफ कालेगौड़ा, लिखो। अब पूछो। सर उसके डॉन बनने से पहले जब वो बंबई आया था तो उसका दूसरा नाम भी था ना, जैसे राजा कृष्णप्पा बैरिया, वो रॉकी कैसे बना? रेमंड,
सिंस 1925। मतलब कंपनी जब से शुरू हुई। ऐसा क्यों लिखते हैं? ब्रांड्स को ऐसे ही लिखते हैं। ब्रांड मतलब अपने नाम की अलग पहचान भाई, जिसे सारे लोग जानते हैं। छोटा था तभी उसने तय कर लिया था उसे एक ब्रांड बनना है। ब्रांड? एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। सर 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, चेक पोस्ट भी तोड़ डाला। गाड़ी के कागजात नहीं है, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस है। किसी को फोन किया था इसने, शायद डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा है। नाम पूछा तो अपना नाम भी नहीं बताता। सर क्या करे इसका? मौजूद है क्या? ए, मेरे थाने में मेरे सामने सिगरेट पीता है। तो बिजली तो ही कड़का। तेरे पास कितनी भी दौलत हो, तू कानून का गुलाम है, समझा? गुलाम? नाम बताने को इतना घमंड? और जब रॉकी कड़का, अबे गूंगा है क्या? पूरा स्टेशन ही हिल गया। ये हट, इधर ही था ना? हाँ, कहाँ है? भले ही लोगों ने उसे देखा ना हो, लेकिन उसका नाम सब जानते थे। रॉकी। Since 1951. सर इतने बड़े क्रिमिनल को आप ब्रांड कैसे बुला सकते हो? कानून को सोने की अंगूठी पहनाई है, वो शेक हैंड भी करेगा और सलाम भी ठोकेगा। पुलिस ने जिसे डंडा मार मार के गुंडा बनाया, पब्लिक ने उसको ताली बजा बजा के राजा बना डाला है। जब लोगों ने ही मान लिया है गुलाम नहीं, तो फिर हम तुम कौन होते हैं? आप कहानी में आगे चले गए हैं। कितना आगे? बहुत आगे चले गए हैं। When did I ask for a coffee? माफ करिए मैडम, माफ करिए। रॉकी की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। मार्क्ड ट्रक्स जो बॉम्बे पोर्ट में होने चाहिए थे, वो उसी पुलिस प्रोटेक्शन में बैंगलोर में क्या कर रहे थे, ये राज उसके समझ में नहीं आ रहा था और वो उसे खोजने में लग गया। से सोने का एक भी बॉक्स रॉकी की नजरों से बचकर नहीं जा सकता था। सील ओपन करने वाला रॉकी इस बात की चिंता भी नहीं करता था कि बॉक्सेस पर मोहर किसका है, लेकिन जब उसने यहां इस गोडाउन में उन्हीं बॉक्सेस को देखा तो उसे यकीन हो गया कि सोना अफ्रीका से नहीं आ रहा था। अब उसके दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था कि यह सोना कहां से आ रहा है और इसके पीछे किस किस का हाथ है। ब्रेकिंग न्यूज, गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में DYSS पार्टी ने 5वीं बार जीत हासिल की है। गुरु पांड्यन के नेतृत्व में जो इस पार्टी का झंडा ऊंचा हुआ है, उसके नीचे आने के कोई आसार नजर नहीं आते। रिजल्ट आ रहा है, टाइम बहुत कम है। सिर्फ CM का नाम अनाउंस करने वाले इस फंक्शन में वो रिस्क लेकर बैंगलोर से यहाँ आए, इसकी क्या गारंटी है? अगर उसे यहाँ बुलाना है तो एक ही रास्ता बचा है, पहले उसके अहम को जगाना होगा। वो कैसे? उसके बाप की एक प्रतिमा बनवाओ। प्रतिमा? साथ में ऐलान करवा दो कि पार्टी ऑफिस के बाहर उसका उद्घाटन करेंगे, वो जरूर आएगा। जब तक वो उस किले में है, वहाँ उसे कोई छू भी नहीं सकता। अगर वो अकेला बाहर आ भी गया तो उसकी फौज उससे दूर नहीं होगी।
जॉन भाई ना हो तो सब मारकाट चालू कर देते हैं। वानरम सर। जॉन, छोटे सरकार का बैंगलोर जाना तय हो चुका है, तेरे को भी उनके साथ जाना है। भूलना मत, ये आखिरी मौका है। तुम्हारा बॉम्बे का शूटर तैयार है क्या? ऐसे इसे इतना भाव दे रहे हो तुम लोग, इससे मार भी खाकर आए हो। तू कहां से आया है मुझे नहीं पता। बेंगलोर में विधानसभा कहां है, यहां का वेदर कैसा है, ये सब जानने से पहले मैं कितना बैड हूं ये जान लेता। गलती कर दी तूने। एंड नाउ इट्स टू लेट। बुलेट वेस्ट मत करो। He's not worth it. जानते हो इनको यहाँ क्यों बुलाया है? तुझे मारने के लिए नहीं, तेरी औकात दिखाने के लिए। चाहत की भी एक औकात होती है, वो भी मेरे जैसी से। चल तुझे एक मौका और देती हूँ अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए। अगर तूने मुझे इन सब के सामने छू लिया तो मैं तेरी। चिरकुट, सामने वाली दुकान पर मेरा नाम लेना, मेरा ससुर तुझे 2 दर्जन चूड़ियां देगा, पहन लेना। मैच बॉक्स है क्या? प्यार करने वाले कुछ ज्यादा ही जलते हैं। ट्रिगर पे उंगली रखने वाला हर कोई शूटर नहीं होता, लड़की पे हाथ डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता, और अपन की औकात अपन को चाहने वालों के अलावा और कोई समझ नहीं सकता। अरे कहाँ रे वो चिंचोली का चूड़ी वाला भाई? आजकल दुकान पे कोई आता नहीं ना, तो वो धंधा मंदा, इसलिए सॉरी भाई। अरे हाँ, धम की बात कौन की अबे? I love you baby, ढासू आइडिया था। जो शहर में रहने आता है वो उसके बारे में सीखता है, जो राज करने आता है वो शहर को अपने बारे में सिखाता है। If you think you are bad, I am your dad. कमाल। ससुरा आ गया। Everybody out. बच गया साले। वो मेरे को बचाने नहीं आया बे, आप उनसे तेरे को बचाने आया है। कौन है ये? गरुड़ा को उड़ाने वाला हथियार। ये तुझे यहाँ किस लिए बुलाया है और तू कर क्या रहा है? मेरी बात को कान पर डालने वाला नहीं, दिमाग में लेने वाला चाहिए था, इसीलिए राजेंद्र देसाई के क्लब में आकर राजेंद्र देसाई को ही बुलवा लिया। क्या प्लान बनाया है? गरुड़ा दूसरे रास्ते से ही आएगा,
जिस रास्ते पे ज्यादा लोग होंगे, नई नई खुली दुकानें, आसपास घूमते ग्राहक, वो सब लोग जिन्होंने अभी घर किराए पर लिया है, बहुत दिनों से खड़ी गाड़ियां, खाली टैक्सियां, सब के सब उसी के लोग हैं। हम उसे वहां नहीं मार सकते। तो फिर DYSS पार्टी ऑफिस के अंदर ही मारूंगा। क्या बात कर रहा है, हर जगह पुलिस होगी, गेट पर भी पुलिस होगी, मिनिस्टर्स की भी चेकिंग होगी। गुरु पांडियन जी का ऑर्डर है, सबकी चेकिंग करनी ही पड़ेगी। छोटे सरकार आ रहे हैं। तुम उसे अंदर मारोगे? हमारी भी चेकिंग करेंगे, उसकी भी चेकिंग होगी। अगर एक बार अंदर मेरे हाथ में गन मिल गई, गन मिलेगी। स्टैचू का जाल बिछाकर वो सब गरुड़ा का इंतजार कर रहे थे। उसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए आया हूं। मेरे पाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है। मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। स्टैचू तो सूर्यवर्धन का बनवाया था, लेकिन वो निकला गरुड़ा का।
उसको मार नहीं पाया? मतलब हार गया आपका हीरो? हार गया। अब क्या करेगा आपका हीरो? Will he give up? घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। What do you mean? Page 128. बड़ी मुश्किल से एक कविता लिखी है, पढ़िए। गेट लॉक कर दिया, सब लोगों को बुला लिया, किसी को भी अंदर मत आने देना। वो इतनी आसानी से नहीं मारेगा, गोली मार के विधानसभा के सामने लटका देगा। एक गन अंदर ले जाने के लिए इतनी भेजा फोड़ी की, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पूरी फौज थी, आधे से ज्यादा लोग जो गन लिए हुए थे, मुझे लग रहा था वो हमारे लोग हैं जिन्हें वो अपना समझ रहे थे। बम्बई वाला किधर है? अंदर है। मुझे लगा कि उसे मार सकते हैं, सोचा था उसे मारकर ये जगह हमारी होगी। अब तो अपने ही स्वर्ग को नर्क बना चुके हैं, उस दुनिया को पाने के लालच में। दुनिया। पर उसने हमें क्यों छोड़ दिया? पावर। वो हमें जब चाहे तब मार सकता है, लेकिन वो दुनिया को अपनी ताकत दिखाने आया था। वो बस अपने बाप के मरने का इंतजार कर रहा है। टाइम बहुत कम है हमारे पास, अगर गरुड़ा अभी नहीं मरा तो हम सब पक्का मारे जाएंगे। क्या मतलब? अब वहां पर जाओगे, उस जगह पर, उन लोगों के बीच? उस नर्क में कोई जा सकता है क्या? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हमारी जो हालत करके गया है वो, उसके बाद हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। अग्नि के भय से ज्वलनशील, खौलते उबलते बिखरे उल्का पिंड, आगे का तो शायद चल गया है। लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले कौन नीचे गिरा। जिसे मारने के लिए मुझे बुलाया था उसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। वो जगह जहां भी हो, जैसी भी हो, उसे वहीं जाके मारूंगा। लहरें इंतजार कर रही हैं धरती चूमने के लिए। सूरज इंतजार कर रहा है डूबने के लिए। बिजली की बारात खड़ी है विद्रोह के लिए। किस्मत भी कांप रही है। मुझे ये सब क्यों मां? मैं भगवान को नहीं मानता। मुझ पर तो भरोसा है ना? इसे कभी भी खोना मत। हेलो, तुम लोग नक्शा तैयार करो। ये लो नक्शा। वहां जाने के बाद हमारा कांटेक्ट टूट जाएगा। इस नक्शे में सिर्फ आधी इंफॉर्मेशन है, बाकी तुम्हें वहां जाकर खुद पता लगाना होगा। जब तुम्हारी तैयारी हो जाए मुझे एक सिग्नल देना। धमाकेदार, उस जगह तक पहुंचने का बस एक ही रास्ता है। जॉन एक गांव में अपने ट्रक लेकर जाएगा और जबरदस्ती लोगों को ट्रकों में भरेगा। तुम्हें बस उस ट्रक तक पहुंचना है। याद रहे वो गांव चारों तरफ से ट्रेन किलर से घिरा हुआ होगा, तुम्हें उन्हें पार करना ही है। साहब, रॉकी के बारे में कुछ पता चला?
ए छोटू, शेट्टी भाई के लिए गरम चाय लेके आ रहे। पापा, रॉकी कहाँ गया है कुछ? 25 साल से उनके लिए काम कर रहा हूँ, फिर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंकल, आप बताओगे या मैं बताऊँ? उनका ठिकाना एक घना जंगल है। अरे वही इसका आशिक, जहाँ गया है वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा, ये आप बताओगे या मैं बताऊँ? यहाँ बकरियों के बीच में रॉकी जरूर शेर बनता था, लेकिन उस जंगल में वो सिर्फ एक मेमना है। तुम उसके बारे में फिकर मत करो चाचा, हो गया, वापस नहीं आएगा। अरे नहीं बे, मुझे रॉकी की कोई चिंता नहीं। जाने से पहले बच्चों को पेड़ा खिला कर गया था, उन्हें बड़ा मस्त लगा। वो कहाँ से खरीदा था बस यही पूछ रहा था। तू उसकी फिक्र मत कर, उसके बारे में आपको पता है ना सर? उन सबको ट्रक में डालो। कोई तुम लोग की तरफ आ रहा है? हमारी तरफ आने दो, उसको बाहर नहीं जाने देंगे। अबे बाहर नहीं जा रहा है, अंदर ही आ रहा है। क्या? वो एक बार पटरी पकड़ ले तो बस रुकता भी नहीं, झुकता भी नहीं। दुआ है उसके सर पे। न जाने किसका खून है जिद्दी। दुश्मन पेट्रोल, दुश्मन जितने ज्यादा बढ़ेंगे आग उतनी ज्यादा फैलेगी। धक 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 जंगल के बारे में बता रहे थे ना साहब, आप उस तरफ मत चले जाना। खुदा की कसम, जंगल में आग लगने वाली है। साहब चाय ठंडी हो गई। और छोटो, मलाई मार के गरम चाय लेकर आ, आज बच्चों को पेड़ा खिलाई देता हूँ। ए असलम, कहाँ मिलेगा पेड़ा?
क्या हुआ? किसने किया? एक एक आदमी। ये लोग आपस में लड़ाई करके मारे गए लगते हैं। ट्रक को यहां से निकालो, वहां इंतजार कर रहे हैं। निकल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो किस रास्ते पे जा रहा है। जाके कहां पहुंचने वाला है? वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सूर्यवर्धन उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था जहां उसे कोई छू भी नहीं सकता था, लेकिन जिस दिन वो गिरा उसके वारिसों की आवाजें उठने लगी। बहुत मेहनत से तूने ये साम्राज्य खड़ा किया है, उसे चुनना था। बोल, तेरे बाद गद्दी पे कौन बैठेगा, बेटा गरुड़ा या भाई अधीरा? अधीरा। भैया, अब यहाँ हथियारों की जगह चालाकी और गद्दारी ने ली है। तुझे दोनों ही नहीं आते, जैसे तू इतने साल बिना किसी लालच के मेरे पीछे खड़ा रहा, वैसे ही अब तुझे गरुड़ा का साथ देना है। भैया ने बोल दिया तो बात खत्म। जब तक गरुड़ा जिंदा है, मैं इस गद्दी के बारे में सोचूंगा भी नहीं। उसके इस फैसले ने उसके बनाए साम्राज्य की बुनियाद हिला डाली। अधीरा ने गरुड़ा पर हमला करवाया, पर निशाना चूक गया। जब गरुड़ा ने अधीरा पर हमला करवाया, उसका निशाना नहीं चूका। गरुड़ा पूरा साम्राज्य अपने अधिकार में लेकर उसे अपने अनुसार चलाने लगा। वो जानता था कि कई लोगों की निगाहें केजीएफ पर हैं। इसके बावजूद उसने कसम खाई कि जब तक उसका बाप जिंदा है वो चुप रहेगा, उसके बाद वो उन लोगों को मिटा देगा। सूर्यवर्धन ने अपने साम्राज्य को बचाए रखने के लिए तीन सुरक्षा कवच बनाए रखे थे। एक बड़ी सी दीवार, दूसरा बड़ा सा दरवाजा और उन दोनों का ध्यान रखने के लिए निर्दयी सेनापति वानरम। दो सौ एक मर्द और 15 औरतें, कुल मिला के 216 लोग लाया। इस साल का 41वां बैच है ये। काम पे लगा दो। सूर्यवर्धन ने कईयों का खून बहा के इस गढ़ का निर्माण किया था, लेकिन उसे एक ही बात की चिंता थी
कि अपना खून बहाने के लिए किसी बाहरी के कदम यहां नहीं बढ़ने चाहिए। सूर्यवर्धन ने इस जगह को नराची नाम दिया था। नराची मतलब सुनार का कांटा। इस तराजू के एक तरफ वो चाणक्यपन दिखाता था और दूसरी तरफ डर दिखाकर संतुलन बनाए रखता था। मैं भी 20 साल से यही पूछ रहा हूँ बेटा। वो आ गया। मैंने कहा था ना, यही मसीहा है, यही हमारा मसीहा है। सबको यही बोलता है, यही है। चल इधर से। किसने मारा इसे? मैंने सरकार। भर पेट खाना खिलाकर इनके देखभाल करो रे। एक तरफ खून करता है तो दूसरी तरफ दया भी दिखाता है। मेरा भाई, मुझे ही समझ नहीं आता। दया, तुम अभी अभी लंदन से आए हो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। जानते हो तीनों कौन है? ये गरुड़ा को मारने आए थे, पर गरुड़ा इन लोगों को पाल रहा है क्योंकि इस बार काली माँ के लिए बकरे नहीं मंगवाए। तो क्या? तुम सब लोग यहाँ नए आए हो, अब तुम्हें अपने आंसू भी पोंछने का वक्त नहीं मिलेगा। सर झुकाना तो सीख लिया, पर बहुत कुछ सीखना बाकी है। कल आए ना? कल आए ना? कौन सा सिनेमा रिलीज हुआ है? कौन सा सिनेमा रिलीज हुआ है? नहीं पता क्या? नहीं पता क्या? निकलो। निकलो। आप सब लोगों को यहाँ लाया गया है माइनिंग करने के लिए। दिन में 12 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। सर उठाकर गार्ड्स को कोई नहीं देखेगा, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, सीधे गोली मार देंगे।
1500 फीट की गहराई में काम होगा। पहले दिन थोड़ा डर लगेगा, बाहरी दुनिया को भूल जाओ। करने की बजाय नया है मैं समझाता हूँ। कान पे लगो। पहले ही दिन दफन होना चाहता है क्या? क्या करता था बाहर? काम क्या करता था? मजदूर था। हाथों के ऊपरी तरफ के घाव बता रहे हैं कि तुम काम क्या करते थे। यहाँ के रीति रिवाजों को जितना जल्दी सीखोगे वही बेहतर होगा। खाली था कुछ नहीं। परसों जो ट्रक में बैच नंबर 41 यहाँ आया था, उसके यहाँ आने से पहले जॉन के गैंग के साथ एक हादसा हुआ था। तमन्ना क्या बोल रहा है? क्या हुआ था? हमारे आदमी अक्सर लड़ते हैं, मगर पता नहीं इस बार क्या हुआ कि सारे के सारे मर गए। उनमें से कोई जिंदा बचा क्या? मैं जब वहाँ पहुँचा तो एक ही जिंदा था। उसने कुछ बताया? मरते मरते उसने बोला एक आदमी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक आदमी? वरम सर एक आदमी। शतरंज का खेल तो हम खेल रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ही प्यादा है। गेट पे गार्ड्स, माइनिंग पे गार्ड्स, वॉच टावर पे गार्ड्स, दीवार पे भी गार्ड्स, करुड़ा के गार्ड्स। फिकर मत करो, हमारी बहुत सिक्योरिटी है। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद उसे वो सफेद लाइन पार करके टावर के नीचे बने टनल के जरिए घुसकर गरुड़ा को मारना होगा। हमने उसे आधा ही मैप दिया है। कौन से वॉच टावर से घर में घुसना है ये उसे ही पता लगाना होगा। तो वो कैसे पता लगाएगा? मेंटेनेंस रूम, वहाँ उसे पूरी नाराजगी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिना रोक टोके कोई नहीं घुस सकता। रुक रे। क्योंकि वहां सबसे ज्यादा सिक्योरिटी होती है। तो फिर कैसे? खून के समंदर में अभी और होगा खून खराबा, अभी और बहना है लहू पानी जैसा। सुनने में आया बकरों के बदले तीन लोगों की बलि देंगे। यहाँ करंट जाने के बाद तो हर तरफ से गार्ड्स आ जाते हैं। पता नहीं, सबके हाथ में वॉकी होते हुए भी कभी सिग्नल नहीं मिलता। कई मुश्किलों को पार करके नाराज से आकर रॉकी वहां के बारे में जानने निकला था। 20,000 गुलामों के बीच 400 गार्ड पहरा देते थे, मतलब उनके कानून भी कुछ ज्यादा ही कठोर थे। उस दिन के हादसे के बाद से
रॉकी वाहन के लोगों की कहानियों का हिस्सा बन गया। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि यह अंधा है उसे दिन इसे भी दफनाना पड़ेगा। अगर उन्हें पता चला कि इनमें काम करने की शक्ति नहीं है तो खत्म। रुग्गा उतरेगा। लोग जानवरों को पिंजरे में डालते हैं पर यहाँ तो जानवरों ने लोगों को पिंजरे में डाल रखा है। यहाँ ना स्वर्ग है ना नरक, ना अच्छा है ना बुरा, ना ही कोई आस्था। इन सब का कारण है गरुड़। यहाँ भावनाओं पे मत जाओ, इनकी कोई कीमत नहीं है। जिसका दिल पत्थर का हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तौर तरीके समझ रहा हूँ। नराची में बस ये दो ही लोग सीना ताने खड़े। ये बेवकूफ कभी नहीं समझेंगे, सफेद लाइन पार करने पर माँ बेटे दोनों को मार डाला। आज उन लोगों को राशन ही मत दे। बाकी लोगों की तो जिंदगी बद से बदतर थी। सुनो, केशव को बुलाओ, कहानी सुनाएगा तो शायद बच्चे भूख से रोना बंद कर दे। उस जगह जहाँ उनका भरोसा टूट चुका था, वहाँ एक पागल अपनी कल्पनाओं को कहानी का रूप दे रहा था। कोई तो कहानी सुनाओ ना। इतना सिनेमा देखा है, रोज एक किच कहानी सुनाता है। कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ, कहानी सुनाओ। एक जंगल की कहानी सुनाता हूँ, एक वीर की कहानी सुनाता हूँ। वीर की कहानी। उत्तर दिशा की ओर दूर एक सुंदर सा जंगल था। कोमल हृदय के वन जीवों का खुशहाल हरा चंदन वन था। तुम एक सुंदर सा प्यारा बेटा हो। ए दादी, लड़का क्यों? मुझे लड़की ही चाहिए, फिर से आशीर्वाद दो। लड़की ही होगी। हाँ, अग्नि वर्षा हुई वन गाँव। जल गया जो जीवन था। तुम्हें आज कौन सी शिफ्ट मिली है? रात की। मेरी सुबह की शिफ्ट है। रुको, मैं पूछ के आता हूँ। सुनिए, उनसे कुछ मत पूछिए, पता नहीं वो लोग क्या करेंगे।
तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अग्नि का तांडव हर तरफ जंगल में। तुम्हें बेटा ही पैदा हो। क्यों? किसी ने बताया नहीं क्या ये जगह नरक है? यहाँ किसी को बेटी होती है तो खुद ही उसका गला घोट देते हैं। हे ईश्वर, लड़का ही पैदा हो, लड़का ही पैदा हो। सुंदर वन झुलस गया एक पल में। क्यों बे, सारा राशन उधर क्यों रखा है? आप खेल देखो। ए, अब जाके राशन ले लो। गरीबों के आंसुओं से खेलने वाले राक्षस, खून पीने मांस खाने वाले नरभक्षक। मासूम जीवों का उजड़ गया जहां, स्वाभिमान की लाशें लेकर पहुंच गए शमशान। कमर टूट गई, सर झुक गए, शापित हो गई किस्मत भी। था उठ गया भरोसा तारणहार भागीरथ से, तारणहार भागीरथ से। परंतु सूत्रधार का सूत्र हर के, अहंकार का सीना चीर तांडव करने, दीनहीन के भरोसे को जिंदा करने, गर्भ में लेकर आई एक महान माता। कोख के रथ में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं मां। जब मैं घबराया तब तो अपनाया, तेरी चुनरी ही साया था मां। मेरे रग रग में तेरा नाम है मां, तो ही मेरे दिल की सांस हो मां। अब और नहीं सहा जाता बेटा। जब इस दुनिया में आएगा तुझे ताकतवर बनना होगा, मेरी देखभाल करनी होगी, मुझ जैसे बेसहारा लोगों का मसीहा बनना होगा। जल्दी आ जा बेटा, जल्दी आ जा। डर के कांप के चांद तारे छुप गए पल्लू में जब आसमान के, तब एक ज्वाला ने ज्वालामुखी को जन्म दिया। जलती आग में बरसते बारिश जैसे, मृत्यु के घर में मृत्युंजय जैसे, दौलत के सामने प्रतिशोध की तरह, दशकंठ के सामने धनुर्धारी की तरह, अग्नि के प्रकोप को चीर कर सर्वभूत होकर परमात्मा से प्रश्न कर, बिजली की तरह टूट पड़ने वाले वीर की कथा, विधि को चुनौती देने वाले वीर की कथा। तो फिर क्या किया वो? जब तक मेरा हाथ पकड़कर चलेगा तेरे साथ चलूंगी। फिर तेरा साथ छोड़कर हिम्मत से सामना करना सिखाऊंगी। मौत को देखा पैरों की धूल की तरह, वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उड़ा दे उसको। तकदीर को ठुकराने वाले सुल्तान की तरह, चिंगारी पैर से दबा के धारदार खंजर पे चल के, दिल में जो डर उठा उसे मार के, जिगर वालों की फौज बनकर दुश्मन पे छा गया। काल का करने विनाश, महाकाल आ गया।
आंधियों को रोकने वाला है सुल्तान, सालिमों से भी हक करवा है सुल्तान, आका बोला बन के आओ यहाँ। आंधियों को रोकने वाला है सुल्तान, सालिमों से भी हक करवा है सुल्तान, आका बोला विश्वास था वो जरूर आएगा। मैं फिरती रही ढूंढते तुम जैसे वीर को, आओ गुफ्तगु कर ले, तुम जीते हो दिल मेरा हर दम भी तुम मेरा, दिल में याद में तुम ही हो। बिजली बनकर उन पे कूदो है सुल्तान, मौत बनकर सर पे बैठो है सुल्तान, आका बोला बन के आओ यहाँ। बिजली बनकर उन पे कूदो है सुल्तान, मौत बनकर सर पे बैठो है सुल्तान, आका बोला बन के आओ। सर बड़ी हिम्मत है आप में, किसी ने कुछ नहीं बताया पर आपने बताया। इसमें हिम्मत वाली क्या बात है, मुझे पता है तुम्हारा आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा। ऐसा क्यों? वो होने नहीं देगा। बिना लोगों के सामने आए कहीं और बैठकर धंधा कर रहा है, बुजदिल है क्या? जुआ खेलने वाले हमेशा तीन कदम आगे की सोचकर अपनी चाल चलते हैं, लेकिन वो आगे के बारे में कभी नहीं सोचता, ब्लाइंड शो खेलता है वो। तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक दिन एक पब में अटैक हुआ, लगभग 20 लोग अपनी गन साथ लेकर फायरिंग करने लगे, पूरा पब तहस तहस। सप्लायर, इसका नाम क्या बोला रे? M16 ऑटोमेटिक मालिक। आखिर इतने सारे लोगों ने उस पर अटैक क्यों किया? रॉन्ग 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 रॉन्ग, ऐसा लिख मत देना। बीस लोग उस पर अटैक करने नहीं आए थे, उन 20 लोगों पर अटैक करने वो ही गया था। कोई बच कर ना भागे इसलिए मेन डोर पे बैठकर सप्लायर के लाए गन को चेक करने सीधे स्पॉट पर पहुंच गया अकेला। hey, हम सबके पास गन है, वो अकेला है, फिर क्यों डर रहे हो? उसको मालूम है इतने सारे लोग हैं, हमारे हाथों में गन है, फिर भी वो अकेला आया है, डर नहीं लगेगा क्या? जिंदगी में थोड़ा डर तो होना चाहिए साहब। करेक्ट बोला रे, डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। May I come in? वो क्या इतना बड़ा गैंगस्टर था? गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था।
मॉन्स्टर। मैं फिर से आगे चला गया क्या? केजीएफ के अंदर हर ओर से साजिशें हो रही थी, चाल चली जा रही थी। सूर्यवर्धन को यह सब पता था, उसे यह भी पता था कि आने वाले वक्त में केजीएफ में एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। क्या देसाई साहब, इतनी दूर आ गए दिल्ली तक? सर पर लटकी हुई तलवार अब गले तक आ गई है, इसीलिए आना पड़ा। इसके लिए कर रहा है ये सब? चाचा भी चले गए, अब पिताजी भी चले जाएंगे, हम दोनों का खून देखने से पहले तू नहीं रुकेगा? बड़े सरकार कितने दिन रहेंगे पता नहीं, कभी सोचा है कि उसके बाद हम सबका क्या होगा? मेरे लिए भी आप लोग ही सोच रहे हैं ना, हाथ में मछली लेकर मगरमच्छ पकड़ना चाह रहे हो, पर मगरमच्छ को मछली नहीं हाथ स्वादिष्ट लगता है। जरा सा खून देखकर तुम इतना डर गए, इससे पहले मैं खून की नदियां बहा दूं, निकल जाओ यहां से। नाराजी के चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे हैं, छोटी मोटी लहरों के बारे में मत सोचो। सोचने वाली बात कुछ और ही है। मेरे जाने के बाद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इनायत खलील, बहुत सालों से इंतजार कर रहा है। एक बार अंदर घुस गया, कभी वापस नहीं जाएगा। पता है इस बार इलेक्शन में कौन खड़ा हो रहा है? रमिका सेन। सलामी देने के लिए भी हम पैसे देते हैं, उसका नाम सुनते ही लोग खड़े होकर इज्जत देते हैं। वो सत्ता में आ गई तो ये दोनों ही काफी हैं इस साम्राज्य को खत्म करने के लिए। पहले इनके बारे में सोचो। जो छोटे बच्चों को मारता है ये वही है क्या? माचिस कहां चली गई? ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया। अबे रुक, 102 लोग होने चाहिए, देख सकी नौ। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ 16 17 18 19 20। सैंतीस अड़तीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैतालीस।
आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। हमें भी लेके जाओ। कहाँ? बाहर। मैं जानता हूँ। मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। मेंटेनेंस रूम में जो हादसा हुआ उसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। लगा किसी ने हथौड़ा मारा साहब। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद वहां किसी ने घुसकर नक्शा देखा है। परसों जो बैच आया है उसमें से कोई एक शायद आपको मारना चाहता है। मुझे मारने आया है यहाँ पर? तुम्हारा दिया हुआ मांड पी पी कर कोई सिरफिरा भूखा पाव के लिए मेंटेनेंस रूम में घुसा होगा। हम रिस्क नहीं ले सकते। ऐसा क्या? तो फिर उस बैच में काम करने वाले सभी लोगों को खींच कर ले आओ। हेलो हेलो, छोटे सरकार झोपड़पट्टी की तरफ आ रहे हैं। ओवर। मेंटेनेंस रूम में जो घुसा था अगर वो खुद बता देगा तो सिर्फ एक की मौत होगी, वरना सारे के सारे मारे जाएंगे। बंदूक। कौन है वो? पता है तो बता दो, तुम सब बच जाओगे। तलवार तक पकड़ना नहीं आता उसे मुझे मारने के लिए भेजेंगे। जो मेंटेनेंस रूम में घुसा था उसे मार दिया है। अब छोटे सरकार महल की ओर जा रहे हैं। ओवर। हेलो, तुम्हारा आदमी पकड़ा गया, उसे छूट कर दिया। क्या हुआ? रॉकेट को ठोक दिया। मैंने तो उसी दिन बोला था उस बॉम्बे वाले पे भरोसा करके। अब देखते हैं किसको बुला के क्या उखाड़ लोगे। Hey!
इसी बच्ची के लिए ही कल इसके बाप ने अपनी जान दे दी। हमें भी लेके चलो। अगर कल वो सामने नहीं आता तो सबके साथ उसकी गर्भवती बीवी को भी वो लोग मार देते। लेकिन अब इस बच्ची को भी नहीं, 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 ये बचाएगा। सबके सपनों की महलों में रोशनी बनके मैं चमकूंगा मां, कमजोरों को मैं बल बनके कंधा दूंगा, मैं हिम्मत दे मां, शोला बुझने को बारिश हो सूंगा, ये वादा है माँ। ऐसा लगता है काश इसकी सुनाई कहानियां एक बार तो सच हो जाए। जिस काम के लिए आया है वो देख। चल रे चलो, सर झुका के चलो, जल्दी निकलो रे, जल्दी निकलो रे। पगड़ी उतार बुड्ढे। उतार पगड़ी, डाल टोकरे में बचा ले जिंदगी। नहीं, नहीं रोके। से पता था, पर आपके हीरो ने कुछ नहीं किया। टू मच रिस्क टू टेक। सर वो चुपचाप काहे खड़े रहे, काहे खड़े रहे, बोलिए ना जी। नाउ यू आर गेटिंग ऑन माय नर्व्स। एक मिनट मैडम, एक मिनट। सर वो वापस जाएगा क्या? वो कुछ काहे नहीं किए। वो कुछ नहीं कर सकता था। इतिहास रातों रात नहीं बचा जा सकता। जाओ रे, हड़ में जाओ। जाने दो,
क्या कर सकते हैं? मैं मारूंगा। बुढ़ा कितने दिन जिएगा? मरने के बाद स्वर्ग में चैन से तो रहेगा। उसका खुद का फैसला होगा। जिसके थाली पे पैर गिरा गोली वही मरेगा। थाली में अपना अपना नाम लिखो। मेरा नाम लिखो। खड़े खड़े देखने का क्या फायदा, निकलो रे। उनकी बातों पे ध्यान मत दे। आज तक ना इनको कोई छू सका है और ना छू पाएगा। जाओ जाओ, बच्चे के साथ बुड्ढे का भी खड्डा खोदो। इतिहास जल्दबाजी में नहीं रचा जा सकता। आप प्लानिंग करके ब्लूप्रिंट बनाकर भी इतिहास नहीं रच सकते। बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। रुक क्यों गया रे? चल राख। और उस दिन तो आग ही लग गई। जैसे यूं खड़ा है, हद से ज्यादा ये लेना है। बचपन नीच कसीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है। और से बोलोगे तो चीर देगा, ये है किसी को उड़ते देखा है? कहा गया? ये चेहरू को किसने मारा? ये दोनों भी नहीं दिख रहे, कहां गए? Yeah.
देखो इसने सबको मार दिया। इक्कीस बाईस और तेरे को मिला के 23 गिनते बराबर है ना? सबको मार दिया क्या? एक को छोड़ के जुलूस निकालने के लिए। भूलने की भूल करना नहीं, कुछ भी होने दो फिर भी डरना नहीं, करे या न करे दुनिया कोई परवाह, हर दम तेरे संग रहेगी मेरी दुआ। देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान, देखो 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 अंगार है सुल्तान, देखो 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 ललकार है सुल्तान। बहुत जोरों से कुटाई हो रही है, लगता है आज किसी का नसीब फूट गया है। उस बच्ची के लिए या वहां के लोगों के दर्द के लिए या फिर खुद के लिए उन सबको मार डाला पता नहीं, पर सच तो यह है कुछ वक्त के लिए उन सबको राहत मिल गई। कहते हैं ना हर पिक्चर में कोई एक होता है,
तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन, हीरो? नहीं, विलन। चिंता मत करो, हम इनको गाड़ देंगे। नहीं, जला दो। क्यों? मैं तैयार हूँ। कहाँ मर गए सब लोग? बता दो, यहाँ ऑफिस में कोई नहीं है। काली माँ की पूजा से पहले हम कहीं भागने की सोच रहे हैं। तुम भी दूसरे देश भाग जाओ, उस पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। रॉकी अभी जिंदा है। उसने सिग्नल भेजा है। जब तुम्हारी तैयारी हो जाए मुझे एक सिग्नल देना। धमाकेदार। धमाकेदार। झोपड़पट्टी के पास एक बड़ी आग लगी है। माइंस के 23 गार्ड्स लापता है। सब लोग वहां पहुंचो जल्दी, अभी। जो 23 गार्ड्स लापता है उनको रॉकी ने ही मारा होगा और लाशों को जला दिया होगा। अगर ऐसा है तो हमें कुछ करना चाहिए। उन जीपों को रोकना होगा। रॉकी के बारे में मुंह खुलवाने के लिए वो 20,000 लोगों की भी जान ले सकता है। उन गाड़ियों को रोकना होगा। कुछ तो सोचो, सोचो, कुछ तो करना होगा। पिताजी गुजर गए। इसी ओर आ रहे हैं। 23 गार्ड्स को हम यहाँ जला रहे हैं। उन्हें पता चल गया तो हम क्या करेंगे? ए, ए, बड़े सरकार गुजर गए। बड़े सरकार गुजर गए। बड़े सरकार गुजर गए। हे भगवान। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ आपके दुश्मन बहुत हैं।